भिड़े मास्टर, एक एक सोडा और हो जाए। नहीं भाई नहीं, अरे जेठा, ओहो बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी जेठालाल। जेठालाल की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब क्या जरूरत है, कितनी जरूरत है, जहाँ तक चल सकता है वहीं तक चलाओ। अब भिड़ो, चलता है तो एक एक और सोडा चढ़ाओ। फिलहाल जरूरत नहीं है। क्या बात है भाई, जेठालाल की तुम्हें बात अच्छी लगी भाई, कमाल है। अरे भाई भिड़े, तूने तो मेरी बात ऐसे पकड़ ली जैसा मैं तेरे स्कूल का हेडमास्टर हूँ। सही बात है। नहीं जेठालाल, हेडमास्टर की बात नहीं, लेकिन तुम्हारी ये जो बात है ना, वो मेरे हेड के मास्टर में मस्त चिपक गई है। हेडमास्टर मस्त भाई, वाह। क्या है कि खर्चा करने से पहले या फिर बिना जरूरत की चीज खरीदने से पहले अगर इंसान ये बात सोच लेना तो फिजूल खर्ची करने से बच सकता है। क्या बात है भाई, वाह वाह जेठालाल, तुमने तो मास्टर को मैथमेटिक्स सिखा दिया है। अच्छा हुआ भाई, हमारे एक मेवे सेक्रेटरी साहब अब सोसाइटी में कोई भी फालतू खर्चा करने के पहले दो बार सोचेंगे। अरे खर्चा करेगा कहाँ से, इसके पास तो एक ही वाक्य है, सोसाइटी में फंड नहीं है। और वैसे भी मेहता साहब, मैं कोई फालतू खर्चा नहीं करता सोसाइटी में, इसलिए कलर का काम भी नहीं किया मैंने। नहीं कलर कोई फालतू खर्चा है ही नहीं, ये तो हमारी सोसाइटी में फंड नहीं है इसलिए हम नहीं करवा पा रहे हैं। सही बात है, सोसाइटी को कलर की जरूरत है और सोसाइटी के पास 1.5 लाख बजट कम है। अगर मेरा कलर सोसाइटी में लग जाए तो सोसाइटी का काम भी हो जाएगा और मेरा कलर भी बिक जाएगा। नहीं नहीं, इस वक्त बात करना ठीक नहीं है। हेलो जेठालाल, किस सोच में डूब गए भाई, लौट आओ। ना ना कुछ नहीं। अब्दुल एक सोडा पिला जेठालाल को। हाँ जरूर जरूर। अरे नहीं नहीं, अभी सोडा नहीं पीनी है भाई। क्यों? ओ जेठा भरा, तुम वही सोच रहे हो क्या जरूरत है, कितनी जरूरत है, हा? अरे नहीं भाई, सोडी सोडे के बारे में सब क्या सोचना, ये तो अभी खाना नहीं खाया तो खाना खाने से पहले क्या सोडा पीऊं ऐसा। तो मेरा क्यों नुकसान कर रहे हो? अच्छा भाई तू भी खुश रहे, चल पार्सल दे दे, बस घर पे खाना खाने के बाद पी लूंगा तेरा सोडा। जेठालाल ध्यान में आया मेरे को, ये लो तुम्हारा 40 रुपया। कौन सा 40 रुपया? अरे वो तुमने बबीता को रिक्शा के लिए दिया था ना, उसके बाद छुट्टा नहीं था। क्या अय्यर भाई, आप भी 40 रुपए का हिसाब कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, उसमें क्या है। अरे रहने दो भाई, वो मैं बबीता जी से ले लूंगा, आप क्यों दे रहे हो? जेठालाल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बबीता मेरा वाइफ है। अरे हाँ, तुमको लेना ही पड़ेगा। अरे क्या, नहीं नहीं लेना पड़ेगा, हिसाब मतलब हिसाब। जेठा भाई आपका पार्सल। हाँ ला भाई ला। चलो भाई मैं निकलता हूँ। अरे भाई हम लोग भी निकलते हैं, हम क्या करेंगे। चलो भाई चलो भाई। अरे वाह आप पागल, ये क्या है? सोडा। तो अभी अपना सोडा बेचना भी शुरू कर दिया? दया मैं क्या कहती हूँ कि अभी आप घर पे आ गए ना? हाँ तो बताओ क्या? अरे वो फेरी वाले की तरह आप दुकान दुकान कलर बेचने क्यों निकला था? अच्छा वो हाँ। अरे भाई बात मत पूछ दया, वो हाँ। बात दरअसल ये हुई के समझे? आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए का कलर बेचना है तो सुंदर वीरा को बोल देती हूँ ना, वैसे भी हमारे पोल में कलर करना ही है। अरे बाप रे, सुंदर को कलर देना मतलब कलर का पैसा तो गया ही, ऊपर से कलर उधर भेजने का खर्चा भी मेरे सर पे आएगा। तो फोन कर दूँ ना? किसे? अरे सुंदर वीरा को। अरे नहीं भाई नहीं, इतना छोटे से काम के लिए उस बेचारे को क्यों परेशान करना। हाँ, वो भी है। तो फिर
फिर आप इतने सारे कलर का करोगे क्या? वो मैंने सोच लिया है। अच्छा तो ठीक है। तो खाना परोस। वो भी ठीक है। क्या? सॉरी परोसती हूँ। कलर के लिए कल सुबह जाके भिड़े को मिलता हूँ।